ईरान में हिजाब के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी सरकार। क्या हिजाब कानून में होगा बदलाव? ईरान में हिजाब के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। सरकार प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 16 सितंबर को कुर्द मूल की 22 वर्षीय इराना महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद बढ़ा है, जिन्हें कथित रूप से शरिया आधारित हिजाब कानून का उल्लंघन करने के आरोप में मोरेलिटी पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने हिजाब जला दिए और सरकार विरोधी नारे लगाए। अमीनी की मृत्यु के बाद से बड़ी संख्या में महिलाएं हिजाब नहीं पहन रही हैं। ईरान में करीब 2 महीने से जारी हिंसक प्रदर्शन के कारण अब सरकार झुकती नजर आ रही है। सरकार ने हिजाब की अनिवार्यता से जुड़े कानून की समीक्षा करने के संकेत दिए हैं। इस कानून के तहत ही ईरान में महिलाओं को अपना सिर ढकना होता है। इसी कानून के तहत 22 वर्षीय महसा अमीनी को गिरफ्तार किया गया था। 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में ही महसा की मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस कस्टडी में उसे काफी टॉर्चर किया गया था। समाचार एजेंसी AFP ने ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटाजेरी के हवाले से कहा कि ईरान की सरकार ने अब हिजाब की अनिवार्यता से जुड़े दशकों पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि संसद और न्यायपालिका दोनों इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। दोनों देखेंगे कि क्या कानून में किसी बदलाव की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समीक्षा दल ने बुधवार को संसद के सांस्कृतिक आयोग से मुलाकात की और 1 या 2 सप्ताह में इसके परिणाम देखेंगे। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने शनिवार को कहा, ईरान की गणतांत्रिक और इस्लामिक नींव संवैधानिक रूप से मजबूत है, लेकिन संविधान को लागू करने के तरीके लचीले हो सकते हैं। वहीं ISN ने समाचार एजेंसी ने कहा कि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि दोनों निकाय की ओर से कानून में क्या संशोधन किया जा सकता है। इस हफ्ते ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक जनरल ने पहली बार कहा कि अमीनी की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन के दौरान करीब 300 लोगों की जान चली गई। वहीं ईरान के शीर्ष सुरक्षा निकाय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने शनिवार को कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों की संख्या 200 से अधिक है। इस आंकड़े में सुरक्षा अधिकारी, नागरिक और अलगाववादियों के साथ साथ दंगाई भी शामिल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।